थर्ड बटालियन पंडो के कमांडेंट आईपीएस अधिकारी भगत सिंह ठाकुर के प्रयासों से एक दिव्यांग पुलिसकर्मी को 22.5 लाख का क्लेम मिल गया है। कुल्लू जिला के बंजार निवासी कृष्णलाल 16 वर्षों तक सेनाएं में सेवाएं देने के बाद मार्च 2020 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और थर्ड बटालियन पंडो में तैनात हुए। अप्रैल 2022 में कृष्णलाल छुट्टी लेकर घर गया और वहां गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। काफी उपचार करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए और व्हीलचेयर पर दूसरों के सहारे जीवन यापन करते हुए विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांस्टेबल कृष्णलाल की दशा के बारे में जब कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर को पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस विभाग की प्रीमियम फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर योजना के तहत सितंबर 2023 को क्लेम के लिए अप्लाई किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ खुद वार्तालाप करके इस मामले में गंभीरता दिखाई और दिव्यांग हो चुके पुलिसकर्मी को 22.5 लाख का क्लेम दिलवाया। बीते 27 मई को यह राशि कर्मचारी के खाते में आ गई है। कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने इस योजना के लिए पुलिस विभाग और क्लेम देने के लिए एसबीआई का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में इस योजना को लेकर भ्रम है कि यह राशि सिर्फ मृत्यु पर ही मिलती है, लेकिन दिव्यांगता पर भी इस राशि को देने का प्रावधान है। वहीं कांस्टेबल कृष्णलाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता ने क्लेम दिलाने के लिए कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर, पुलिस विभाग और सहयोगी कर्मचारियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से अब इन्हें भविष्य में अपने उपचार को सही ढंग से करवाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भविष्य में आर्थिक तौर पर पड़ने वाली जिम्मेदारियां का निर्वहन भी वे कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टेट बैंक का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये इंश्योरेंस कवर जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए रखा है, ताकि ऐसी स्थिति में जो है उनको एक बहुत बड़ा सहारा होगा। और जितना इनको और इनके परिवार को इस बात की खुशी है कि चलो जो तो दुर्घटना होगी वो तो होगी, लेकिन अब कम से कम इनको ये राहत मिली है। तो इसके पीछे सिर्फ जागृत होने की आवश्यकता है हर एक कर्मचारी को, खुद भी और अपने परिवार को भी। जो एमओयू में कंडीशंस है, यहाँ तक कि ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के एजुकेशन, इवन बेटियों की शादी के लिए भी इसमें प्रोविज़न है। तो लेकिन उसकी जानकारी हम ज़रूरी है कि हम हर कर्मचारी को दें और एक उसका ब्रीफ एक नोट बनाएं कि ऐसी स्थिति में ये सुविधाएं हैं, और उसको वो कर्मचारी अपने परिजनों को भी दे कर रखें। हम जानते नहीं कि दुर्घटना कब हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, और अमूमन हमने ऐसा देखा है कि अचानक किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके घर में ये पता नहीं होता है कि उसका कितना लेन देन है, किससे पैसा लेना है, जिससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और विशेषकर से हमारे कर्मचारियों के लिए बड़ा आवश्यक है कि हमारे परिजनों को हर चीज़ का पता हो कि इनका खाता कौन से बैंक में है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलने हैं, एटीएम पे कितना इंश्योरेंस कवर है, कितना पीएसपी में कितना है। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल जानकारी बहुत अधिक होनी आवश्यक है, तब इसका पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। ये मुझे और मेरे परिवार के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मेरे परिवार मतलब संतुष्ट है कि हमारे पास कुछ राशि है। हो सकता है मुझे इलाज की ज़रूरत पड़े या फ्यूचर में कुछ पारिवारिक कोई समस्या आ जाए तो ये राशि मुझे वहाँ पे काम आएगी। तो फ्यूचर से हम थोड़ा संतुष्ट हो चुके हैं कि थोड़ा सा हमारे पास बैकअप है कि हम फ्यूचर में जो भी समस्या है उनसे निपटने के लिए ये राशि मुझे बहुत मदद करेगी। इसके लिए मैं अपने बटालियन के सी ओ साहब, पुलिस प्रशासन जिन्होंने MOU जो स्टेट बैंक के साथ साइन किया हुआ है उनका धन्यवाद करता हूं, और बटालियन के पूरे कर्मचारी जो डॉक्यूमेंटेशन मेरी की है उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा हेल्प हमारे CO साहब बटालियन के, थर्ड बटालियन के, उन्होंने की है। दूसरे जो अकाउंट ब्रांच के कर्मचारी हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाने में मेरी मदद की है। मैं CO साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आगे कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी इंजरी हो सकती है तब के लिए ये पैसा होगा हमारे लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही रहूँगी, इस कंडीशन में ही रहूँगी, कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है, इसलिए ये पैसा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।